दोस्तों कैंपस ऑफ क्रोसपोंडस लर्निंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैस ट्रिब्यून रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसशिप की। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए 5 जनवरी को वैकेंसी निकली है, आप विजिट कर सकते हो इनकी वेबसाइट rac.gov.in पर या drdo.gov.in पर। तो देख लेते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज यानी कि जो ग्रेजुएट है उनके लिए जो अप्रेंटिस निकली है BA या BTech इक्विवेलेंट, उनकी जो भी वो डिग्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंजीनियर की 30 पोस्ट निकली है, और उसके बाद एरोनॉटिकल एयरस्पेस इंजीनियरिंग की 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल मेंटेशंस एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग की 12 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियर की 18 पोस्ट है, मिलिट्री मटेरियल साइंस की 4 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट की 1 पोस्ट है, और मिनिमम एज है 5/1/2021 के अनुसार 18 साल होनी चाहिए मिनिमम एज, मैक्सिमम एज होनी चाहिए रिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल, OBC के लिए 30 साल, SC ST के लिए 32 साल और PWD के लिए 37 साल, और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो यूनिवर्सिटी UGC द्वारा अप्रूव्ड हो। उसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी कि जिसने पॉलिटेक्निकल कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा, मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल एंड डाई डिजाइन की 15 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल की 10 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 5 पोस्ट है, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग की 5 पोस्ट है, और मिनिमम एज है 18 साल 5/1/2021 के अनुसार आप 18 साल के हो जाने चाहिए, और अनरिजर्व मैक्सिमम एज आपकी 27 साल, और OBC अनरिजर्व के लिए OBC के लिए 30 साल और SC ST के लिए 32 साल और PWD के लिए 37 साल। आपको डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, स्टेट काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी यूनिवर्सिटी है या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो उससे डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियर के अंदर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, उसके बाद ITI जिन्होंने ITI कर रखी है उनकी ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, मैकेनिज्म निस्ट की 5 पोस्ट है, फीटर की 8 पोस्ट है, टर्नर की 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 4 पोस्ट है, वेल्डर की 2 पोस्ट है, शीट मेटल वर्कर की 2 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 12 पोस्ट है, हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट की 2 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 40। उसके बाद एज लिमिट है 5/1/2021 के अनुसार मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 साल, रिजर्व अनरिजर्व के लिए OBC के लिए 30, SC ST के लिए 32 और PWD के लिए 37 साल। आपके पास वोकेशनल कोर्स होना चाहिए 2 ईयर्स का, यानी कि आपके पास ITI होनी चाहिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से या स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, आपके पास 10वीं या 12वीं हो उसके बाद ITI हो तो आप कोई इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये देख आप www.mhrdnats.gov.in पर जा सकते हो। उसके बाद
जो 2018, 19 और 20 में जिन्होंने बीटेक करी है या डिप्लोमा करा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। 2018 वाले कैंडिडेट नो नो अगर कोई भी 2018 से पहले किसी ने भी बीटेक या डिप्लोमा करा है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। और आपको अप्रेंटिस के दौरान आपको बीए या बीटेक को स्टाइफंड मिलेगा 9,000 रुपये पर मंथ। बीए या बीटेक कर रखी है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है उसको 9,000 रुपये पर मंथ। डिप्लोमा वाले को मिलेगा 8,000 रुपये पर मंथ और आईटीआई वालों को मिलेगा 7,000 रुपये पर मंथ। आपको स्टाइफंड मिलेगा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम देख लेते हैं मेडिकल फिटनेस। जरूरी है आपको मेडिकल फिटनेस देना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन होगा आपको यदि ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा हो आईटीआई ट्रेन तो जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का एक बेसिक और मार्क्स जो बेसिक एग्जाम होगा जो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। उसके बाद जो डिटेल आओगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की वो डीआरडीओ की वेबसाइट पे उपलब्ध होगी और कैंडिडेट वेबसाइट को चेक करते रहे। आपको कैसे अप्लाई करना है तो आपको वेबसाइट है www.rac.gov.in या drdo.gov.in पर जाकर इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना। उसके बाद हम देख लेते हैं मिनी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी या सर्टिफिकेट चाहिएगा या बीए बीटेक या डिप्लोमा या कोई आईटीआई की मार्कशीट चाहिएगी। सब सेमेस्टर की डिग्री या प्रोविजनल डिग्री या डिप्लोमा एनटीसी सर्टिफिकेट चाहिएगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आप ओबीसी या सीएसटी से हो या पीडब्ल्यूसी डी से हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिएगा। फोटो आईडी कार्ड चाहिएगा एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। आधार कार्ड हो या वोटिंग कार्ड हो या अगर ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिएगा। दो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएंगे और रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा www.drdo.gov.in पर। और आप कोई भी क्वारी है तो आप मेल कर सकते हो hrd@gtre.drdo.in पर। और लास्ट डेट है फार्म भरने की लास्ट डेट है 29 जनवरी 2021। और जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे 12 फरवरी 2021 को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद जो ज्वाइन करना है आपको 21 फरवरी 2021 से ज्वाइन करना। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो 24 फरवरी 2021 तक ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपके सिलेक्शन जो कैंडिडेट का जो डिक्लेरेशन होगा ग्रेजुएट डिप्लोमा या आईटीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 1 मार्च 2021 को। उसके बाद आप को ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2021 से ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा जो फाइनल रिजल्ट आएगा इनका। तो ये वैकेंसी निकली है डीआरडीओ के अंदर अप्रेंटिसशिप के लिए। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल कैंपस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस लर्निंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।